कैलाश विजयवर्गीय जो कि बंगाल में बीजेपी के प्रभारी हैं, वो अब ममता दीदी के खिलाफ उनको सत्ता की कुर्सी से उतारने के लिए पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए हैं। और इस बीच वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले भी पहुंचे थे और एक जनसभा को भी संबोधित किया था, लेकिन इस मंच से कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से बोली गई एक बात ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी पार्टी को लाकर एक कटघरे में खड़ा कर दिया है। कैलाश विजयवर्गीय का बड़बोलेपन में दिया गया एक बयान पूरी पार्टी के लिए भारी तब पड़ गया जब कमलनाथ की सरकार को गिराने में उन्होंने प्रधानमंत्री की भूमिका बता दी। जी हां, भरे मन से कैलाश विजयवर्गीय कहते दिखाई दिए कि कमलनाथ की सरकार गिराने में कोई प्रधान नहीं बल्कि प्रधानमंत्री शामिल थे, और इससे अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस को मानो मध्य प्रदेश में इसे भुनाने का भी मौका मिल गया है। और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल किया है, ट्विटर के जरिए बीजेपी से पूछा है कि क्या मोदी जी अब बताएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार गिराने में उनका हाथ था, क्या मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए कोरोना के लॉकडाउन करने में विलंब किया गया। ये बहुत ही गंभीर आरोप है, मोदी जी जवाब दें। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर अपनी सफाई भी पेश कर दी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में मौजूद लोगों को पता है कि ये विशुद्ध रूप से मजाक है, ये बात मैंने हल्के फुल्के मजाकिया लहजे में ही तो कही थी, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा कहा क्या था जिस पर माहौल इतना खराब हो गया। जब तक कमलनाथ जी की सरकार थी एक दिन चैन से नहीं सोने दिया। यदि ऐसा कोई कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी का जिसको कमलनाथ जी को सपने में भी जो दिखाई देता था वो नरोत्तम मिश्रा जी थे। तालियां बजाकर नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत करें। ये पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूं, आप किसी को बताना मत। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच में बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। आपको बता दें 15 साल के लंबे इंतजार के बाद 17 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश की कुर्सी पर कांग्रेस का कोई नेता मुख्यमंत्री के तौर पर विराजमान हुआ, लेकिन मात्र 459 दिन तक ही ये सरकार चल सकी और फिर गिर गई। 20 मार्च 2020 को फ्लोर टेस्ट से पहले ही कमलनाथ ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद से ही कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर होने के मौके तलाशती रहती है, और कैलाश विजयवर्गीय ने देखिए नरेंद्र मोदी का नाम लेकर विपक्ष को उनके बारे में बात करने का मौका दे दिया। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, कैलाश विजयवर्गीय ने मजाक में ही सही लेकिन बयान तो गलत ही दिया है, कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा ही दी हैं, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।